अब सोच ही लियो लाइफ में इंजीनियरिंग करनी है और वो भी कोलकाता के इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो आओ मैं भी तुम्हारे कॉलेज सिलेक्शन में थोड़ी हेल्प कर दूँ। सो हे गाइस, दिस साइड आयुष हियर और आज हम एक्सप्लोर करेंगे RCCIT कॉलेज के हर एस्पेक्ट्स को, फ्रॉम एकेडमिक्स टू कैंपस लाइफ और सब कुछ। तो अब अगर तुम भी कन्फ्यूज हो अपने कॉलेज सिलेक्शन में तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तो आओ फिर पहले तुम्हें आज के टॉपिक से गो थ्रू करवा दूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉलेज के ओवरव्यू और एक्रेडिटेशन के बारे में, फिर हम देखेंगे कॉलेज के ऑफर्ड कोर्सेज को, कॉलेज कौन कौन सी कोर्सेज ऑफर कर रही है, तुम किस किस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो और हर वो ब्रांच में कितने सीट्स हैं, फिर हम लोग देखेंगे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है तुम्हारे लिए, क्योंकि आगे 4 साल तुम्हें इस कॉलेज में रहना है तो तुम्हें जरूरी है जानना कि वहाँ तुम्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही होगी। तो चलो अब फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। तो फिर जो हमारा स्लाइड होगा वो क्लोजिंग रैंक का, कि तुम्हें किस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारी रैंक कितनी होनी चाहिए और फिर तुम्हें कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप, तुम लोग कौन कौन से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। फाइनली मैं प्लेसमेंट्स, कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है उसके बारे में भी बता दूंगा। तो चलो फिर एक एक करके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज की ओवरव्यू बता दूं, मैं कॉलेज एस्टेब्लिश्ड विथ ईयर 1999 में। कॉलेज की एरिया बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4.59 एकड़ में कॉलेज का पूरा कैंपस है और कॉलेज एफिलेटेड है मकाउट से और इसके कोर्सेज अप्रूव्ड है AICTE से। कॉलेज की एक्रेडिटेशन की बात करें तो NAC से कॉलेज को B++ का ग्रेड मिला है और कॉलेज की CGPA है 2.94 और कॉलेज के कोर्सेज NBA से भी एक्रेडिटेड है। तो तुम्हें जानना चाहिए कॉलेज के इस एक्रेडिटेशन के कारण तुम्हें बहुत सारे लोन्स ईजिली मिल जाएंगे, तुम उसे लेकर आराम से कॉलेज की स्टडीज़ को कम्प्लीट कर सकते हो। तो इस स्लाइड में मैं तुम्हें बता दूं कॉलेज कौन कौन सी कोर्सेज ऑफर कर रही है, तुम किस किस ब्रांच में इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो कॉलेज में CSE, AIML, ये AIML वाली ब्रांच रिसेंटली कॉलेज में ओपन हुई है, फिर IT, EC और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेज में तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज में MC और MTech प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है तो तुम उसमें भी इजीली एडमिशन ले सकते हो। तो अब मैं तुम्हें कॉलेज के सीट मैट्रिक्स के बारे में बता दूं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में 120 सीट्स अवेलेबल है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी 120 सीट्स है, बीटेक इन CSE यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 210 सीट्स है और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और CSE AIML ब्रांचेस में 60 सीट अवेलेबल है। कॉलेज में AEIE ब्रांच भी थी जो कि अब क्लोज हो चुकी है। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉलेज क्या क्या फैसिलिटीज़ तुम्हें प्रोवाइड कर रही है। कॉलेज में काफ़ी अच्छी लेबोरेटरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, कैंटीन भी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग कोलकाता में है या कॉलेज के आसपास है उनके लिए आना जाना करना तो थोड़ा आसान होगा, लेकिन जो लोग बिहार या UP से आ रहे होंगे उन्हें बाहर मेस लेके रहना होगा क्योंकि कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तब यहाँ तुम कुछ पिक्चर्स देख पा रहे होगे या तुम्हें कॉलेज के वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं और यहाँ हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक की। तो ये स्लाइड तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें किस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारी रैंक क्या होनी चाहिए। तो देखो, अगर तुम TFW कैटेगरी से और तुम्हें CSE ब्रांच में एडमिशन लेनी है तो लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी 10,165। अब अगर तुम WBJEE ओपन कैटेगरी से दे रहे हो तो 45,629 इसकी CSE ब्रांच की लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही थी और JEE मेन से इसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर 1,79,000 के अप्रॉक्स रही थी। वहीं IT ब्रांच की बात करें तो TFW कैटेगरी में इसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर 19,488 थी। वैसे ही अगर तुम IT ब्रांच के लिए JEE मेन से काउंसलिंग कर रहे हो तो लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी 2,29,000 के अप्रॉक्स। अब अगर इसी ब्रांच की बात करें तो TFW कैटेगरी में लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी 20,000 के अप्रॉक्स और WBJEE ओपन कैटेगरी से 84,000 के अप्रॉक्स लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक रही। तो देखो यार, यदि तुम CSE ब्रांच में ये सोचकर एडमिशन ले रहे हो कि इसमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट और काफ़ी ईजिली प्लेसमेंट लग जाएगी तो ये तुम्हारा मिसकंसेप्शन है, तुम्हें इसे बदलना होगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छी कोडिंग आनी चाहिए और तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट होनी चाहिए तभी तुम्हें कंपनीज भी हायर करेगी। तो तुम ये सब सोचकर ही CSE ब्रांच को चूज़ करना या फिर IT ब्रांच को। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं तुम्हें बता दूं। तो कॉलेज की टोटल कोर्स फी है 6,43,000 के अप्रॉक्स एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो तुम ये ध्यान में रखना। तो चलो मैं तुम्हें कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बता दूं। तो SVMCM यानी स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, कन्याश्री, ओएसिस स्कॉलरशिप, TFW यानी ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी के स्टूडेंट्स एंड एक्श्री, ये सारे स्कॉलरशिप तुम्हें मिल सकते हैं यदि तुम इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो। तो तुम अगर इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हो तो इस वीडियो को तुम देख सकते हो, इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो फाइनली देखते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, कॉलेज की एवरेज पैकेज क्या है। तो अगर एवरेज पैकेज की बात करूं तो इस कॉलेज की एवरेज पैकेज 6.70 LPA है जो कि कोलकाता के बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ये 14 LPA है, ये कुछ एक दो लोगों को ही मिला होता है और कॉलेज में लास्ट ईयर 80% प्लस स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल गई थी।
तो यार अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस कॉलेज के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि उन्हें भी काउंसलिंग के वक्त इस कॉलेज को चूज़ करने की डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे एक और रिव्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।